नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में महापर्व छठ का समापन हो गया है और आज सुबह सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके, भगवान भास्कर को नमस्कार करके ये जो छठ पर्व है उसका समापन हो गया है। लेकिन अब जो है जो बिहारी हैं और वो बिहार में न रह करके जो बाहर रहते हैं यानी नॉन रेसिडेंट बिहारी हैं, उनका दर्द भी छलकने लगा है और ट्रेनों में फिर से वही भीड़ इकट्ठा होने लगी है। बस एकमात्र चाह है कि कैसे भी उन्हें कंफर्म टिकट मिल जाए और अपने काम करने वाले जगह पर चले जाएं। इसी को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रवक्ता हैं, अमित विक्रम साथ ही शिक्षक नेता भी हैं, उन्होंने हमला बोला है लालू नीतीश जैसे तमाम नेताओं पर और कहा है कि बिहारी जो है केवल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देखते हैं और उनकी बस यही चाह है कि किसी तरह ट्रेन में रिजर्वेशन का जो टिकट है वो कंफर्म हो जाए, मिल जाए, ताकि वो अपने काम करने वाले जगहों पर जा सकें। और बिहार में भयानक विभीषिका आती है, बाढ़ आती है, उनके नेता जो है कुछ भी नहीं करते हैं उनके लिए, फिर भी जो है उन्हीं को टिकट दिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा बिहारियों को, यानी जनसुराज को बिहार में लाना होगा ताकि उनकी ये जो समस्या है ये दूर हो सके और बिहार में ही रह करके रोजगार वो कर सके, तो कहीं भी बिहार से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। तो इसको लेकर के अमित विक्रम ने हमला बोला है बिहार के नेताओं पर और बिहारियों को एक मैसेज, एक संदेश दिया है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन निकालना होगा। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अमित विक्रम, आप भी सुनिए। छठ पूजा समाप्त हो चुकी है और सभी ने बड़े ही धार्मिक माहौल में, बड़े ही सांस्कृतिक वातावरण में छठ पूजा मनाया और छठ समाप्त होते ही बिहार से लौटने वालों की भीड़ ट्रेन में आपको दिखेगी। ट्रेनों को लेकर के जो रोना धोना है वो दिखेगा आपको, सीट नहीं है, भीड़ है, आने जाने में दिक्कतें हैं, स्पेशल ट्रेनें लेट चल रही, ये सब कुछ दिखेगा, ये सारी शिकायतें आपको दिखेगी। लेकिन इन सब शिकायतों के बीच जो है लोगों को बस चाहिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, क्षणिक उसका समाधान चाहिए कि भाई ट्रेन में टिकट कन्फर्म हो जाए, आराम से मैं चला जाऊँ, बस इतना उनको सॉल्यूशन चाहिए। उनको ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि चीज़ें बिहार में ही बेहतर हो जाएं, उनको जाना ही न पड़े बाहर, ऐसा वो कोई सॉल्यूशन चाहते ही नहीं। चाहते हैं तो सिर्फ एक ट्रेन में रिजर्व टिकट, जहां उनको आराम से सीट मिले, वो घर चले जाएं, घर चले जाएं, क्योंकि अब उनका घर वही है, उनका घर अब बिहार नहीं रह गया। तो ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन चाहने की इच्छा है ना, उसका कारण क्या है कि इन्होंने हार मान ली, अपना घर भी दिल्ली मुंबई गुजरात जहाँ रह रहे हैं उसी को मान लिया है। अब बिहार के तो ये रहे नहीं, ये बिहार में बस टूरिस्ट की तरह आते हैं साल में एक बार और टूरिस्ट की तरह अपना छठ पर मना करके, एक बढ़िया सा टिकट ट्रेन में चाहिए इनको और इनको चले जाना है। इनसे अगर कभी आप पूछें कि बिहार में बदलाव के लिए आप क्या कह रहे हैं, तो ये बस बिहार को भला बुरा कहेंगे, यहाँ के लोगों को जातिवादी बताएंगे, यहाँ के नेताओं को गालियाँ देंगे। लेकिन अगर इसी भीड़ में से कोई एक अच्छा नेता उभर रहा हो, कोई आपके समाज का, आपके घर का आगे बढ़ना चाह रहा, तो उसकी मदद नहीं करेंगे, बस दोषारोपण करेंगे, दोष देंगे समाज को, गांव को, बिहार को, बिहार के नेताओं को, लेकिन ये प्रयास नहीं करेंगे कि अगर यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस खराब रहे हों, उन्होंने किसी से उम्मीद की हो और वो उम्मीद सफल नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी एक बिहारी होने के नाते हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास तो निरंतर करना रहेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसमें समय लगेगा। एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास असफल हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ भाई एक बार हमने कोशिश की थी तो सफल नहीं हुए तो अब छोड़ो इसको, अब बस निकल चलो यहाँ से, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, एक कन्फर्म टिकट, एक बढ़िया सी सीट, बस ट्रेन में मिल जाए और हम चले जाएँ, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। खास करके जो नॉन रेसिडेंट बिहारी हैं उनको, नॉन रेसिडेंट बिहारी बिहार में तो वोट भी नहीं देते हैं, बिहार की राजनीति से भी कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर अगर गाली देनी हो तो सबसे पहले नॉन रेसिडेंट बिहारी आगे आएंगे, बिहारियों को गाली देने में, बिहारियों को भला बुरा कहने में। एक छोटा सा पुल पुलिया अगर गिर जाएगा पूरे देश में हंगामा मचाएंगे, लेकिन जब भीषण बाढ़ विभीषिका आ जाएगी बिहार में तो मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे हो गए हमारे नॉन रेसिडेंट बिहारी। तो नॉन रेसिडेंट बिहारियों, आप बिहार से जा रहे हैं, छठ आपने मना लिया है, आप जाइए, आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन चाहिए, उसमें सरकार जो चाहे कर रही है, नहीं भी करेगी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको,
किसी न किसी तरह आप चले ही जाएंगे, लेकिन एक बार जाते जाते रास्ते में ये जरूर सोचिएगा बिहार की समस्याओं के परमानेंट सोल्यूशन के लिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपना योगदान कैसे दे रहे हैं। और अगर अपनी आप माटी को, अपनी मातृभूमि को, अपने राज्य को, अपने बिहार को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप इसी तरह ट्रेन में धक्के खा करके आइए और ट्रेन में धक्के खा करके जाइए, यही आपकी नियति है। धन्यवाद। तो अमित विक्रम ने यही कहा है कि आपके नेता आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं तब भी आप उन्हीं को वोट देते हैं, और साथ ही साथ जो है बिहार में कितनी भी तरह की जो भी विभीषिका आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तब भी जो है आपके नेता आपके लिए नहीं उतरते हैं, बाढ़ में नहीं आते हैं आपकी मदद करने के लिए। और जो है अभी छठ पर्व में सभी लोग आए हुए थे, अब छठ पर्व जब खत्म हो गया तो सभी लोग अपने अपने काम को लौट रहे हैं और बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, और केवल यही चाह रखते हैं कि उन्हें बस एक कंफर्म टिकट मिल जाए ट्रेन में, बसों में, ताकि वो आसानी से अपने काम पर लौट सके। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा, ऐसा कहते हुए प्रशांत किशोर के पार्टी के प्रवक्ता हैं अमित विक्रम, वो कहते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।